हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में के जो कुछ डिमेरिट्स थे, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या था। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कुछ जो उसके डिमेरिट्स थे, जैसे स्लो रनिंग टाइम, मोर मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, रिलेक्टेंस टू न्यू टेक्निक्स और नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो चारों इसके जो डिमेरिट्स थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में भी आगे चल के प्रॉब्लम आने लगी। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इस टेक्निक में कोई भी, अगर मान लीजिए आपको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है, लार्ज और एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम एक लंबे प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है हमारा, सपोज कीजिए हमने कहा 10,000 लाइनों का प्रोग्राम है। ठीक है, देर आर 10,000 लाइन्स इन ए प्रोग्राम। तो उन 10,000 लाइन्स को हम क्या करते हैं, से सपोज कीजिए उनको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, मतलब हमने से 250 लाइन्स के मॉड्यूल्स में उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये 250 लाइन्स के चार मॉड्यूल में ये प्रोग्राम पूरा आ गया। या जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो, हम इसको किसी और रेशियो में भी, मान लीजिए आपका 10,000 है, तो हमने कहा कि से 300 लाइन का एक मॉड्यूल हो गया, एक मॉड्यूल 400 लाइन का हो गया, एक मॉड्यूल जो है सपोज कीजिए 100 लाइन्स का ही हो गया, और एक मॉड्यूल हमारा से 200 का हो गया। तो 4 3 7, 1 8 और 2 10, ये 1,000 लाइन्स का। तो जब हम किसी बड़े प्रोग्राम को, कोई लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो इस टेक्निक को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और इन स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल, दे आर कॉल्ड मॉड्यूल। क्लियर, द टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एज ए सेट ऑफ मॉड्यूल्स इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यानी अगर हम कोई प्रोग्राम इस तरह लिखते हैं कि वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम उसको बनाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स रहते हैं, बाद में हम उनको आपस में इंटीग्रेट करके प्रोग्राम को एक प्रोग्राम बना देते हैं। तो जब हम इस टेक्निक से काम करते हैं, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एवरी मॉड्यूल इन प्रोग्राम इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब हर एक मॉड्यूल का अपना काम होता है। ठीक है, दीज मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड टू सेटिस्फाई प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट। तो ये सारे मॉड्यूल्स को आपस में ऐसे हम इंटीग्रेट करते हैं, बनाने के बाद जोड़ देते हैं, ताकि प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम आपको कोई एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, और वो प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम ये करता है कि उसको हम 2 नंबर इनपुट करते हैं, हम उसको 2 नंबर इनपुट करते हैं, ए और बी। ठीक, अब वो प्रोग्राम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो प्रोग्राम उनका एडिशन कर दे और रिजल्ट बता दे हमको, उन सब्ट्रैक्शन कर दे रिजल्ट बता दे। हमने कहा कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर नंबर हमको बता दे, ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक, फिर हमने कहा कि उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमको दे दे। क्लियर, फिर हमने कहा सपोज कीजिए कि ए डिवीजन बी का हमको रिजल्ट दे दे। ठीक, नेक्स्ट हमने कहा कि सपोज कीजिए कि इनमें से ए एंड बी में कौन सा नंबर इवन नंबर है, विच वन इज इवन, वो बता दे। मतलब इस तरह के, सपोज कि ये हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो एक तरीका क्या है कि या तो ये है कि हमने इनपुट कराया 2 नंबर और फिर हमने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लिखते चले गए। ठीक, इससे क्या होगा कि ये प्रोग्राम, एक तो लाइन ज़्यादा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बजाय हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने 2 नंबर इनपुट कराया, इनपुट ए कॉमा बी, और ये जितने काम होने हैं इन सबको हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लिख दिया, मतलब उसकी कोडिंग कर दी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। क्लियर, और बाद में इन सारे मॉड्यूल्स को आपस में हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। तो मान लीजिए ये मॉड्यूल 1 है, ये ए प्लस बी कर दे रहा है, ये ए माइनस बी कर दे रहा है, ये दोनों को कंपेयर करके बता दे रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी है या बी इज ग्रेटर देन ए है, ये मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा है, मतलब इस तरह। तो इससे क्या होगा कि एक लार्ज प्रोग्राम को हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डेवलप करते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को आपस में हम जोड़ देते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ये आती है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये अगर
ये मॉड्यूल्स ही अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि कोई प्रोग्राम है हमारे पास 50,000 लाइनें हैं कोडिंग की, ठीक है, उसको चलिए हमने क्या किया, 10-10,000 के मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें 10,000 लाइन्स हैं, इसमें 10,000 लाइन्स हैं, ठीक है, इसमें हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए 15,000 लाइन्स हैं, तो कितना हो गया, 10, 10, 20 और 15, 35, और हमने कहा इसमें भी 15,000 लाइन है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई ये 10,000 लाइन में भी स्थिति वही है कि इनको डेवलप करना या कि कोडिंग करना, तो ये फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बन जाएगा, मॉड्यूल बन जाएगा, तो इसको हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको फर्दर मॉड्यूल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इन 10,000 को मान लीजिए हमने 4,000 लाइनों में एक कर दिया, 3,000 लाइनों का एक मॉड्यूल बना, सब मॉड्यूल्स बना दिया, और 4, 3, 7 और 3,000 का एक बना दिया, तो ये तो हो गया आपका टोटल प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गए इसके मॉड्यूल्स, और अगर जरूरत पड़ती है तो दीज मॉड्यूल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स। तो ये होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, इसका अप्रोच ये होता है। और ये तो हो गया सब मॉड्यूल्स। अब मान लीजिए इसका उल्टा हम आपसे पूछें, कि इसका उल्टा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने 4 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, सपोज कीजिए वी हैव डेवलप 4 मॉड्यूल्स, 1, 2, 3, 4, मतलब ये हमने सपोज कीजिए ये मॉड्यूल है 5,000 लाइनों का, ये है 2,000 लाइनों का, ये है 1,000 लाइन का, ये है 3,000 लाइन का, ठीक, ये आपका मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 हो गया। इनको क्या करना, हमने क्या किया, इनको आपस में इंटीग्रेट किया, आपस में जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा एक सुपर मॉड्यूल बन जाएगा, इसको बोलते हैं सुपीरियर मॉड्यूल, टेक्निकली इट इज कॉल्ड सुपीरियर मॉड्यूल। और ये टोटल कितनी लाइन, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, ये 11,000 लाइनों की का एक सुपीरियर मॉड्यूल बन जाएगा। तो मॉड्यूल अगर डिवाइड होगा तो सब मॉड्यूल्स हो गए, और अगर इंटीग्रेट होके एक मॉड्यूल बना रहा है तो दे आर कॉल्ड सुपीरियर मॉड्यूल। तो इस तरह से बेसिक वर्किंग जो है होती है किसमें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अच्छा, द सुपीरियर मॉड्यूल मेक्स ए रेफरेंस टू इट्स सब मॉड्यूल इज नोन एज कॉलिंग मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल एज ए कॉल्ड मॉड्यूल। तो सुपीरियर मॉड्यूल को जिस मॉड्यूल को जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमने इसका नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, अब सुपीरियर मॉड्यूल क्या करेगा, इसको मान लीजिए मॉड्यूल 2 की ज़रूरत है तो इसको कॉल करेगा, मॉड्यूल 3 की ज़रूरत है तो इसको कॉल करेगा, मॉड्यूल 4 की ज़रूरत है तो इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द सुपीरियर मॉड्यूल मेक्स ए रेफरेंस टू इट्स सब मॉड्यूल इज नोन एज कॉलिंग मॉड्यूल। तो जब आप कॉल करेंगे तो ये जो सुपीरियर मॉड्यूल है ये कहलाएगा कॉलिंग मॉड्यूल, मतलब जो कॉल कर रहा है, और जिसको कॉल किया गया है, जैसे 3K को वाली मॉड्यूल नंबर 4 को बुला रहा है तो ये कहलाएगा कॉल्ड मॉड्यूल, जिसको बुलाया गया वो ये और जिसने बुलाया वो ये, क्लियर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डिफाइनिंग मॉड्यूल्स एंड ऑल्सो फॉर कॉलिंग सब मॉड्यूल्स बाई सुपीरियर मॉड्यूल। अब इसमें बात आती है कि जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में, ये आप ध्यान रखिएगा, जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में, उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी मॉड्यूल को डिफाइन कर सकें, डिफाइन ए मॉड्यूल, ये होना जरूरी है, और कॉलिंग सब मॉड्यूल, यानी इस तरह के फंक्शन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने चाहिए जिससे हम किसी मॉड्यूल को डिफाइन कर सकें, उसके सब मॉड्यूल को कॉल कर सकें, या अगर उनका सुपीरियर है तो कॉलिंग बाय सुपीरियर मॉड्यूल भी उन मॉड्यूल्स को कॉल कर सके। जब तक ये 3 फैसिलिटी नहीं होंगी तब तक उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना बेकार है।
तो इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये तीन फैसिलिटी होनी ज़रूरी है। उसके अंदर फंक्शन होने चाहिए जिससे हम किसी मॉड्यूल को डिफाइन कर सकें, उसके अंदर कॉलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए मतलब स्पेशल तरह के फंक्शन होते हैं जिससे हम सब मॉड्यूल को कॉल कर सकें, और अगर वो मॉड्यूल जो हमने डेवलप किया है उसको कोई सुपीरियर मॉड्यूल कॉल कर रहा है तो वो फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा रहा है। ठीक, अब मॉड्यूल्स के जो मेन फीचर होते हैं, मतलब मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल देखिए सिंपल लहजे में आप समझ सकते हैं कि मॉड्यूल एक छोटा प्रोग्राम है। ठीक, लेकिन उसके जो मेन फीचर होते हैं वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, मेन फीचर ऑफ ए मॉड्यूल आर। ठीक, पहला क्या है, फर्स्ट मॉड्यूल इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अंटिल इन इटसेल्फ कंटेनिंग प्रोसेसिंग लॉजिक। मतलब ये क्या होता है, मॉड्यूल एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, ठीक है, जब तक कि इसके अंदर खुद ही प्रोसेसिंग का लॉजिक ना हो। अगर सेल्फ प्रोसेसिंग ये कर ले रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। सेकेंड क्या है कि ए मॉड्यूल इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क। मतलब किसी भी मॉड्यूल को जो डिज़ाइन हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उसका जो टास्क है वो क्लियर कट डिफाइंड रहता है कि इस मॉड्यूल का आउटपुट ये आना है या इस काम के लिए ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आप आ जाइए कि ईच मॉड्यूल कैन बी कंपाइल्ड टेस्टेड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अदर मॉड्यूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मॉड्यूल भी अपने आप में एक तरह से, मैंने कहा ना छोटा प्रोग्राम होता है, केवल अंतर ये होता है कि ये एग्जीक्यूट अपने आप नहीं हो सकता। तो ईच मॉड्यूल, ठीक है, वो क्या करता है, उसको आप कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइलर से एरर हम निकालते हैं। कंपाइलर क्या होता है, या प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने बताया हुआ है, चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियो, कंपाइलर और ट्रांसलेटर दोनों चीज़ें हमने बताई हुई, इंटरप्रेटर भी बताया हुआ है। तो ईच मॉड्यूल को हम कंपाइल भी कर सकते हैं सेपरेटली और टेस्टिंग भी कर सकते हैं उसकी, और करते भी हैं, कर सकते नहीं करते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल हो, कोई भी मॉड्यूल होता है जो छोटा प्रोग्राम होता है वो अपने आप में कंपाइलेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए सेल्फ होता है, उसके अंदर फैसिलिटी रहती है, वो अपने आप ही आप उसको कंपाइल भी कर सकते हैं और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया। फोर्थ फीचर क्या है मॉड्यूल का कि ईच मॉड्यूल हैज़ वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट, यानी हर मॉड्यूल में एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका कि वन मॉड्यूल कैन कॉल अदर मॉड्यूल। तो कॉलिंग फैसिलिटी होती है मॉड्यूल में, एक मॉड्यूल, वन मॉड्यूल कैन कॉल अदर मॉड्यूल, जरूरत पड़ेगी वो अदर मॉड्यूल को कॉल कर लेगा। ये अभी देखिए अभी आने आने वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, आई विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक से सी लैंग्वेज, तो जब आपको प्रोग्रामिंग में पढ़ाना शुरू करूंगा उसमें ये सब चीज़ें फिर आएंगी और आप एग्जांपल देखिएगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो वन मॉड्यूल जो है कॉल कर सकता है अदर मॉड्यूल्स को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि वन मॉड्यूल कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपने एक मॉड्यूल को डेवलप करके और उसको आपने कंपाइल कर लिया, एरर फ्री कर लिया, कोई बग नहीं है वहाँ पे, डिबगिंग करके उसको दूर कर दिया अगर है भी, तो उस मॉड्यूल को, जो मॉड्यूल आपका रेडी है उसको आप कई प्रोग्राम के साथ, डिफरेंट प्रोग्राम एज वेल एज डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ, एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स होते हैं मॉड्यूल के, इसीलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अब आज के समय में मैक्सिमम जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ही यूज़ की जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवांटेज। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेज है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे, आप जानते हैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि
ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।